أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم फिफ्थ क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मैथ का। आपका लेक्चर नंबर 1 में यानी हमने 1.1 की थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपने उससे रिलेटेड होमवर्क भी किया होगा। आज का जो लेक्चर है अजीसल भाई, इसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.2 इसमें हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 1.3 में 1.2 और 1.3 ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसमें प्लस माइनस के अलावा और कुछ नहीं है, और ये प्लस माइनस आप तमाम तालिबिलों को बड़ी अच्छी तरीके से आती है, तो लिहाजा हम इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि मैं आज आपको जो तीसरी एक्सरसाइज है 1.4 जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए कि ये एक सवाल है, पाए थ्री टू थ्री फोर थ्री यानी 532,343 मल्टीप्लाई बाय 423। अभी जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में सबसे अहम बात वो ये है कि आपको टेबल आनी चाहिए, कम से कम 2 to 9 यानी 2 से 9 तक आपको टेबल अगर आते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगा। मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते अगर आप को टेबल आता है। देखिए हम अपने शुरू करते हैं, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 3 ज़ार 9, आप 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ार 12, 12 को 2 1 कैरी आ जाएगी। आप 3 3 ज़ार 9, 9 में 1 कैरी ऐड कर देंगे तो ये 10 होगा, 10 0 यानी 10, जैसे ये देखें 10, इसमें यूनिट को हम जवाब में लिखते हैं और 10 को हम कैरी लेते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7, आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9, आप 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15। अब हमने बच्चों एक अदद से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, लिहाजा पहले अदद को हम छोड़ देंगे, यहाँ पर आप 0 भी लगा सकते हैं, क्रॉस का साइन भी लगा सकते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10। अब हम चूंकि 2 अदद से कर चुके हैं तो पहले 2 अदद छोड़ देंगे, इस तरीके से हमने 2 अदद छोड़ दिए। अब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16, 16 प्लस 1 कैरी 17, 1 कैरी, 4 3 ज़ार 12, 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 प्लस 1 9, 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 4 5 ज़ार 20, 20 और प्लस 1 21, ऐड कर दो,
9, 2 plus 6, 8, 2 plus 8, 10, 1 carry. अब ये 21 हो जाएगा, 1, 2 carry, 2 plus 9, 11, 11 plus 4, 15, 15 plus 3, 18, 8, 1 carry, 1 plus 9, 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 5, 21, 1, 2 carry, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 1 plus 1, 2, देखें जी ये आपका मल्टीप्लाई करने का तरीका, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह आप ये 1.4 के बच्चों होमवर्क में जो मुझे 1.4 एक्सरसाइज नंबर 1.4 से जो HW में आप मुझे अब करके भेजेंगे, इसके आखिरी तीन सवाल 7 to 9, एक तीन सवाल इसलिए दे रहा हूँ कि अभी मैंने 1.5 भी आपको कराने हैं। 1.5 है डिवाइड का मतलब बच्चों पता आपको मालूम होगा है, हमने क्लास में आपको बताया है कि किसी चीज़ को बांटना, तकसीम कर देना, टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिवाइड करने लगे हैं, क्वेश्चन है कि 1.5 का 9, 2, 00, 1, 2 डिवाइड बाय 82। अब देखें बच्चों इसमें ये है, अब मैं इससे पहले कि इसे तकसीम करूं मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये क्या है 5, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, हम इस तरह करते हैं 2 2 4 1 आ गया। अब इसे हम कहते हैं कोशेंट, ये है रिमाइंडर और ये है डिवीजर और ये है डिवाइडेंड, ठीक है। इन चारों का आपको पता होना चाहिए कि ये कोशेंट, ये रिमाइंडर, ये डिवीजर और ये डिवाइडेंड। ये बात समझ आ गई, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये इसका पहला ये 92 है, ये 82 है। अब 82 का तो हमें पहले तो हमने ये था कि टेबल पढ़ लिया था और हमें पता चल जाता है छोटे अदाद में तो, लेकिन चूंकि ये बड़ा अदद है तो हम इसका भी पहला अदद देखेंगे और इसका भी पहला अदद देखेंगे। ये जो डिवीज़र है ये इसका 8, ये 8 छोटा है 9 से, लिहाजा ये 1 टाइम डिवाइड से करता है 82, 1 सा 82 माइनस करें, तब तक किया तो ये 0, 1 ऊपर से, फिर हम एक 0 और ले आएंगे, फिर दोबारा ये 1 टाइम डिवाइड होता है 82। ये देखें 10 माइनस 2 8, यहाँ 9, 9 माइनस 8 1, ऊपर से एक और सिफर ले आएंगे अगला 10। अब देखें ये 180 आ गया, ये है 82। अब 8 का टेबल हम पढ़ेंगे, 8 2 16, 8 2 16 कितने होते हैं 16। अब 82 को हम मल्टीप्लाई करके देखें, 2 टाइम ये इससे तकसीम होता है, 2 2 4 और 2 8 16, ये 2 टाइम ये डिवाइड होता है तो ये 164। इसे सब्ट्रैक्ट करें, 10 माइनस 4 6, यहाँ 7 माइनस 6 1। अब इसके बाद ये है 1,
ऊपर से हम वन ले आए, फिर दोबारा अब ये टू टाइम्स नहीं डिवाइड होगा क्योंकि हमने 82 2 2s हमने किया था तो ये 164 आया था और ये 161 है, लिहाजा वन टाइम ये डिवाइड होगा। 82 1s are 8, इसे माइनस करें, 11 minus 2 9, यहाँ पर 5 बचा, 15 15 minus 8 7। अब आखिरी अदद जो ऊपर बच रहा है वो है 2। ठीक है बच्चों, अब हम 8 का टेबल हम पढ़कर देखते हैं 79 पर, ये कितनी दफा इसे डिवाइड करेगा, 8 9 are 72। 82 को हम डिवाइड करके देख लें, सॉरी मल्टीप्लाई करके देख लें 9 से, 9 2s are 18, 1 कैरी, और 9 8s are 72, 72 plus 1 73, ये 9 टाइम बच्चों इससे डिवाइड होता है, 7 3 8, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 minus 8 4, या 8 minus 3 5, ये बच्चों रिमाइंडर आ गया, ये देखें ये रिमाइंडर आ गया, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप नोट करना चाहें तो इसका नोट भी कर लें। इसमें भी जो इस वन पॉइंट एक्सरसाइज वन नंबर 1.5 का जो होमवर्क होगा, इसका क्वेश्चन नंबर आखिरी 3 सवाल यानी 8 9 और ये आखिरी 3 सवाल मेरे पास जो बुक है उसमें 7 8 9 7 8 9, ये 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मल्टीप्लाई के हैं, 3 सवाल आपके डिवाइड के हैं, ये आप अपनी शीट पर हल करके, कल सैटरडे है, आप सैटरडे को सबमिट कराएंगे स्कूल में 11 बजे से लेके 1 बजे तक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कोई बात समझ ना आए तो मैंने आपको उस दिन अपना व्हाट्सएप नंबर बताया था, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपने बच्चों ये जो काम आपको दे रहे हैं ये साथ के साथ आप पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में, तो मैंने 3 3 3 सवाल दिए, लेकिन आपको चाहिए कि आप पूरी पूरी एक्सरसाइज अपने घर पर आप हल करें, अगर आप हल करेंगे तो आपको देखेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, और जब आप स्कूल में आएंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हुई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपका ये आज का लेक्चर समझ आएगा। बस इसी के साथ हम अपनी बात का ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।